हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन। माय नेम इज सुजाता। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट दिसंबर 2018 पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंडर हमने सिलेबस ओवरव्यू की सीरीज कंप्लीट की है। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च के रिलेटेड जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ में जो बेल आइकन दिया होता है उस पर जरूर क्लिक करो, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो NTA जिन्होंने इस बार UGC नेट कंडक्ट करवाना है, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर दिया है। नोटिफिकेशन में उन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होनी है, वो डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब से होंगे और एग्जाम की डेट कब है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, तो दिसंबर में हमारा एग्जाम है, तो हमें जल्दी से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है अच्छे से। और जो उतना भी सिलेबस मेंशन है UGC नेट के अंडर उसे अच्छे से कवर करना, साथ ही साथ में जितने हो सके हमें MCQs करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, अब आज इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, आप इसे देख लो एक बार कि कब से ये डेट स्टार्ट हो रही है। जब ये फॉर्म्स, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, फिर आप वो फॉर्म जल्दी से उसे फिलअप कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मीनिंग क्या है एजुकेशनल रिसर्च का, नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, स्कोप क्या है। तो फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च होती क्या है। रिसर्च की कोई भी प्रॉब्लम उसका सलूशन फाइंड करने के लिए हम कौन से वेज चूज करते हैं, कौन से फैक्ट्स चूज करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए, उसे बोलते हैं एक जो एक पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन है, ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। इसमें एक हमारे माइंड में एक इंक्वायरी एटीट्यूड डेवलप होता है और साथ ही साथ में एक जो हमारे माइंड की स्टेट है वो चेंज हो जाती है, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन रहता है कि हम न्यू चेंजेस करें अपनी नॉलेज में, उसे बोलते हैं रिसर्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक सिस्टमेटिक टेक्निक है, इसमें साइंटिफिक मेथड यूज होता है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो रिसर्च को अगर हम उसके वर्ड, जो उनके वर्ड फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग देखें, तो आर रैशनल थिंकिंग की, इसमें हमारी माइंड की जो थिंकिंग है वो रैशनल वे में काम करती है। उसके बाद इसमें एक एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जितने भी इसमें स्टेप्स दिए होते हैं कि प्रॉब्लम को फाइंड करना, कैसे प्रॉब्लम के रिलेटेड सॉल्यूशन के अल्टरनेटिव निकालना, कौन से क्राइटेरिया चूज करना, वो सब। उसके बाद रिसर्च के सॉल्यूशंस, मतलब हम प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है उसको फाइंड करेंगे। एक एग्जैक्टनेस होती है, एनालाइज करते हैं इसमें जो डाटा है हमें दिया होता है, जहाँ हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालिटिकल वे से प्रॉपर उसका एनालाइज करते हैं, उसको फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशंस है उसे चेक करना होता है। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की न्यू नॉलेज को हमने डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है अपनी ओल्ड नॉलेज से। उसके बाद ऑनेस्टी की, अपना जो काम हम कर रहे हैं वो ऑनेस्ट वे से होके काम करेंगे। तो ये एक रिसर्च के वर्ड के अकॉर्डिंग, उसके लेटर के अकॉर्डिंग हमने एनालाइज किया कि क्या क्या मीनिंग होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च के, एम्पिरिकल मीन्स के हम जो भी अपना एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन करते हैं। फिर एक क्रिटिकल इंक्वायरी होती है, प्रॉपर वे में हम फैक्ट्स का रिलेशन फाइंड करते हैं, डाटा को एनालाइज करना होता है, तो ये एनालिटिकल है। साइक्लिक प्रोसेस कैसे है कि ये एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम पे ही जाके इसका एंड होता है। उसके बाद इसमें साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज किया जाता है, साथ ही साथ में एक लॉजिकल वे है। तो जो रिसर्च है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च हम किसी भी फील्ड से लेके कर सकते हैं कंडक्ट, जैसे कि जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, मेडिकल फील्ड से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है, होम एनवायरनमेंट से भी हो सकती है कि डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। फिर एजुकेशन फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी यही है कि एजुकेशनल रिसर्च होती क्या है, नेचर क्या क्या है उसका, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशनल रिसर्च होती क्या है। एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक वे है जिसमें हम जो एजुकेशनल फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सोल्यूशन फाइंड करना रिसर्च करके, उसको बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च। और जितने भी
हमारे एजुकेशनल फील्ड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो साइंस के हो सकती हैं, चाहे मैथ्स की हो सकती हैं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड से हो सकती हैं, जब बच्चों को मोटिवेट करना, चाहे इंस्ट्रक्शनल एम से रिलेटेड हो सकती हैं, उसके रिलेटेड रिसर्च करके हमने न्यू टेक्निक्स न्यू फैक्ट्स फाइंड करने, उसे बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च। ये एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट बोल सकती है जिससे कि एजुकेशन प्रोसेस को हम बेटर बना सकते हैं, एक अच्छा बना सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद मीनिंग क्या है एजुकेशनल रिसर्च का वो देखते हैं। एजुकेशनल रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि हम साइंस ऑफ बिहेवियर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं कि एक हमारे अंदर इंक्वायरी की जो फीलिंग्स है वो डेवलप होंगी। इसका अल्टीमेट एम भी यही है कि जो साइंस से हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है उसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने जो गोल्स हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम के उसको अचीव कर सकें। तो आगे इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन हम देखें गुट के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोला हुआ है कि एजुकेशन रिसर्च एक स्टडी और इन्वेस्टिगेशन है एजुकेशनल फील्ड में। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, उसने उसी में उस चीज़ में भी यही चीज़ डिफाइन की हुई है कि इसमें एक प्रोसीजर है जिसमें एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड ही प्रिंसिपल्स हमने डेवलप करने हैं, या प्रोसीजर को डेवलप करना है, या फिर ये एक सिस्टमेटिक और रिफाइंड टेक्निक्स हो सकती हैं, कौन से जो स्पेशल टूल्स हैं हम यूज़ करके अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये एक साइंस ऑफ बिहेवियर एक्टिविटी है, और साथ ही साथ में एक डायरेक्ट वे है जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन दी हुई थी एजुकेशनल रिसर्च के। उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशनल रिसर्च के। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो करिकुलम से हो सकती हैं, चाहे वो मेथड्स ऑफ टीचिंग से हो सकती हैं, उसके रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड करने। फिर इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राइमरी मतलब जो हमारे मेन सोर्सेज है, फर्स्ट हैंड सोर्सेज है, उससे हमने डाटा गैदर करके न्यू डाटा फॉर्म करना। एक्यूरेट ऑब्जर्वर मतलब कि हमने इसमें यही चीज़ आएगी कि हम जो भी चीज़ करेंगे वो एक्यूरेट वे में करेंगे, ऐसा ना हो कि हम एस्टिमेट लगा लें कि नहीं हमने ये चीज़ ऐसे फॉर्म करनी थी, नहीं, एक एक्यूरेट वे में चलेंगे। उसके बाद ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इसका एजुकेशनल रिसर्च का। फिर जो एक्सपीरियंसेस यूज करके हम न्यू नॉलेज को फॉर्म्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे एजुकेशनल रिसर्च के। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर क्या है एजुकेशनल रिसर्च का। तो नेचर की बात करें तो सबसे पहले जो वही चीज़ की एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एक्सपीरियंस के बेस्ड है। इसमें जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं उससे नॉलेज ड्राइव की जाती है, कलेक्ट किया जाता है डाटा, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे जनरेट किया जाता है। उसके बाद ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि हर काम एक सिस्टम में होता है, प्रॉपर कंट्रोल करके अपने एक्सपीरियंस को यूज करके क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करके न्यू नॉलेज को हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचर है एजुकेशन रिसर्च का। इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसेस है कि इंडक्टिव वे में चलना है अगर डिडक्टिव वे में चलना है वो चीज़। इंडक्टिव वही कि हम जब एग्जाम्पल से अपना जनरलाइजेशन कंक्लूजन फॉर्म करते हैं, दूसरी साइड डिडक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंडक्टिव के, कि हम अपने कंक्लूजन से एग्जाम्पल तक जाते हैं। उसके बाद पर्पजफुल है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी यूज होती है इसमें। फिर इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि इसमें हर एक फील्ड से रिलेटेड हम अपनी जो एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। साइंटिफिक मेथड होता है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जब भी हम अब रिसर्च करते हैं एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड तो पहले तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज होती है एप्लीकेशन, मतलब कि कई बार रिपीट हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, या कुछ हम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। फिर हमें इसमें एक पेशेंस रख के अपना काम करना होता है, सारा हर चीज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होता है, उसकी रिपोर्ट अच्छे से देनी होती है, एक मोटिवेशन के साथ हमने काम करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेचर के एजुकेशन रिसर्च के रिलेटेड। तो हमने पहले मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद रिसर्च के क्या क्या एजुकेशन रिसर्च के क्या क्या नेचर है, उसके बाद स्कोप क्या है एजुकेशन रिसर्च का। तो सबसे पहले स्कोप यही है इसका कि इसके जो साइंटिफिक नॉलेज हमें मिलती है, हम जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उससे उसके रिलेटेड हम साइंटिफिक नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। फिर जो रिसर्चर्स एज ए टीचर करिकुलम वर्कर्स होते हैं, जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं
सुपरवाइजर होते हैं जो उनको एक टास्क मिलता है कि वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस उनको एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करें। उसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक हमें प्रोसीजर मिलता है कि अपने प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें, रियलिटी में भी, चाहे वो हमारी एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे हमारे रियल लाइफ से हो। फिर ये हमें एम्फेसाइज करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक टीचर को अच्छा काम करने के लिए, मोर इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एक इन्वेस्टिगेशन फीलिंग्स डेवलप करता है। उसके बाद ये फॉर्मल एजुकेशन के अंडर भी एजुकेशन रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है, साथ ही साथ में नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी। और उसके बाद इसमें हम जो फैक्ट्स हैं डिस्कवरीज करते हैं, जितने भी फैक्ट्स में क्या रिलेशन्स हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करना, उस पर उसको डिस्कस करना, उसके रिलेटेड रिजल्ट फॉर्मुलेट करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोप के पॉइंट्स हैं एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम पर्पस की बात करें तो एजुकेशनल रिसर्च में जो पर्पस सबसे पहले, इसका मेन पर्पस यही है कि अब जितनी भी क्लासरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती है, या पॉलिसी से हो सकती है, या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फिर साथ ही साथ में जो क्वालिटीज एजुकेशन इनरोलमेंट या रिटेंशन है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अपने काम उसका अच्छे से हो रहा है, ड्रॉप आउट की क्या रेट चल रही है, ये सब चीज़ें। फिर सॉल्यूशन जो हम फाइंड करेंगे उसके डायरेक्ट वे क्या क्या है, एक कंटिन्यूस इंक्वायरी से हमने अपनी नॉलेज को है उसको सर्च करना है। फिर जो इसमें ये क्या चीज़ पे इम्फेसाइज करता है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यूज़ होते हैं, उसको अच्छे से हमने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके, सेंसरी एक्सपीरियंसेस को लेके नॉलेज को जनरेट करना होता है। उसके बाद इसमें जो रिसर्चेस, पुरानी रिसर्चेस हैं उसको नहीं यूज़ करना, हमने न्यू रिसर्च कंडक्ट करनी है, जिससे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक इफेक्टिव एफर्ट मिल सके, एक उनको जो उनकी प्रॉब्लम इससे लेटेस्ट चल रही है उसका सोल्यूशन मिल सके। उसके बाद डेप्थ में हमने रिव्यू करना है, मतलब कि जब हम प्रॉब्लम रिसर्च करनी होती है सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि जितना भी उसके रिलेटेड पहले रिसर्चेज हुई हैं उसे अच्छे से उसको देखना, उसके रिसर्चेज में ही हमें काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं, आगे जाके अपनी रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो हमारी रिसर्च है वो वैलिड रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पज़ है। उसके बाद न्यू नॉलेज को वर्ल्ड करना, मेथोडोलॉजी को, पैडागोजी को, न्यू न्यू करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट करना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद फिर जो हमारे एजुकेशनल फील्ड में जितना भी नॉलेज है उसमें और न्यू नॉलेज ऐड करना, फिर न्यू टीचिंग मेथड्स को इन्वेंट करना, करिकुलम ट्रांजेक्शन स्ट्रैटेजीज न्यू न्यू डेवलप करनी है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रियलाइज करना कि कौन सी प्रॉब्लम्स एजुकेशनल फील्ड में हैं। फिर न्यू मेथोडोलॉजी अगर हमने कोई अडॉप्ट की है तो उसका इफेक्ट चेक करना। फिर न्यू ऑब्जर्वेशंस, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस की इसमें डिमांड होती है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसीजर में काम होता है, और जो भी डाटा हमने कलेक्ट करना, जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी सोर्सेज से होना बहुत ज़रूरी है, जिससे फिर हम न्यू नॉलेज को डेवलप करें। तो फ्रेंड जी, हमने आज डिस्कस किया था रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के क्या मीनिंग है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, उसके बाद उसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या पर्पज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एजुकेशन रिसर्च के रिलेटेड। जो एजुकेशन रिसर्च है ये मेनली डील करती है हमारे एजुकेशनल फील्ड से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा यूज होता है, ये ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है, न्यू नॉलेज को हम जनरेट करते हैं अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसके द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नेचर क्या है कि ये सिस्टमेटिक है, वैलिड होना, रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होती है और थ्योरी डेवलपमेंट। उसके बाद फिर ऐसे हमारी जो सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज जो काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, इसके बाद जब हमारा जो एक सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊँगी, जिसमें हम सारे एमसीक्यूज और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करो, और जितने भी फ्रेंड्स एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज हेल्पफुल रह सके, क्योंकि आगे जाके मैंने पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करनी है, और जो मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया इसकी पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, जिसके इस लिंक में जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसमें सारे पीडीएफ, जितने भी टीचिंग्स के एग्जाम होगी वो सारे पीडीएफ उस पर अवेलेबल होंगी। अगर आप लोग जो इस जे पीडीएफ या आगे जो न्यू
पीडीएफ्स आएंगी, उसको आप लेना चाहते हो तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको जो पीडीएफ्स है वो इजीली मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो न्यू टॉपिक है साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है उसे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में थ्योरी को कैसे डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर टाइप्स क्या है रिसर्चेस के, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड जल्दी